का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्जिनिटी। वर्जिनिटी मेडिकल के कुछ लॉज हैं जो कि वर्जिनिटी के बारे में बताते हैं। वर्जिनिटी में हम सिर्फ मैरिज हुई है या नहीं ये लेकर नहीं चलते हैं, जबकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्जिनिटी के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में वर्जिन होती है वो फीमेल ही होती है। तो फीमेल जिसने कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है, नेवर हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स, उनको हम वर्जिन फीमेल्स कहते हैं। या फिर अगर उनकी लॉस हो चुकी है वर्जिनिटी, वर्जिन नहीं है, तो उनको हम डी फ्लोरेंस कहते हैं। तो ये दो वर्ड आपको याद रखना है। अब मेडिकल एग्जामिनेशन हम किस किस सिचुएशन में करते हैं, वो हम किस किस सिचुएशन में ये अराइज़ होता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए किसी लेडी का, और उस पर क्या हम देखते हैं कि साइन ऑफ वर्जिनिटी मिले। ठीक है, तो साइन ऑफ वर्जिनिटी की बात में करेंगे। पहले नीड क्या है इस एग्जामिनेशन की, कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन पे करते हैं, तो उसकी बात करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे नलिटी ऑफ मैरिज, नलिटी ऑफ मैरिज हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में। जैसे कि नलिटी ऑफ मैरिज कहने का मतलब है कि अगर कोई फीमेल वर्जिन है इवन आफ्टर मैरिज, तो फिर ये इंडिकेट करता है कि उसका पति जो है, हस्बैंड जो है, वो इम्पोटेंसी है ये इंडिकेट करता है। लेकिन अगर वो डिफ्लोरेसेंस है, इसका मतलब अगर वो लॉस कर चुकी है अपनी वर्जिनिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डाइवोर्स्ड है या मैरिज हो चुका है उसका। अगर कोई लॉस कर चुका है वर्जिनिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैरिज्ड है या फिर डाइवोर्स्ड है। और अगर कोई नहीं किया है तो उसका मतलब भी ये नहीं है कि वो मैरिज नहीं की है, जैसे कि इम्पोटेंसी ऑफ हस्बैंड में मिलता है। जो दूसरा है हमारा वो है रेप की कंडीशन में। तो इस सिचुएशन है जो कि है रेप की कंडीशन में साइन ऑफ वर्जिनिटी देखी जाती है। फिर जो तीसरा है वो है किडनैपिंग के केस में। जो चौथा है वो है डिफेमेशन ऑफ ए गर्ल, इसका मतलब होता है मानहानि या फिर बदनामी। तो जब किसी की बदनामी या मानहानि का वो होता है, तो उसमें भी गर्ल में ये सिचुएशन बनती है जिसमें हम मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो अब बात आती है कि साइंस क्या क्या मिलते हैं। अब ये तो बात हो गई कि कौन कौन से सिचुएशन में करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या साइंस, किस किस साइंस में ये मिलते हैं। तो देखिए इसमें दो प्रकार से एग्जामिनेशन किया जाता है। पहला है जेनिटल्स या वल्वा का, ठीक है, और दूसरा है ब्रेस्ट का। इन दोनों से ही हमको साइन ऑफ वर्जिनिटी मिलती है। तो सबसे पहला जो है वो है एग्जामिनेशन ऑफ वल्वा या फिर जेनिटल्स या फिर पेंडर। तो यहाँ पे हाइमन जो होता है वो सिर्फ एक ही एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स में चेंज हो जाता है, मतलब कुछ चेंजेस उसमें मिलते हैं हाइमन में, जबकि बाकी जो अदर पार्ट्स हैं उनमें कुछ रिपीटेड एक्ट्स, मतलब रिपीटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पे उन पे चेंजेस मिलते हैं। तो यहाँ पे वर्जिन और नॉन वर्जिन में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे हम, जो कि अदर स्ट्रक्चर्स मिलते हैं हाइमन के से अलग। तो यहाँ पे जो सबसे पहले बात करते हैं लेविया मेजोरा की। जो लेविया मेजोरा होता है वो पहले थिक होता है, साथ में राउंडेड होता है, फिर्म होता है, फ्लैशी होता है और इलास्टिक होता है, ये वर्जिन में हम देख रहे हैं। जबकि रिपीटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो कि नॉन वर्जिन होते हैं उनमें ये थिन हो जाता है, डिप्रेस्ड होता है और सेपरेट हो जाता है, जिसमें कि वेस्टिब्यूल, यहाँ पे वेस्टिब्यूल जो हम सेपरेट वर्ड कर रहे हैं वो होता है वेस्टिब्यूल से। तो वेस्टिब्यूल में जो चार चीज़ें आती हैं उनमें वो सेपरेट दिखती हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा लेविया माइनोरा। लेविया माइनोरा जो होता है वो स्मॉल होता है इन वर्जिन में, स्मॉल है, थिन होता है, पिंक होता है और सेंसिटिव टू टच होता है। लेकिन जब वो नॉन वर्जिन में आता है तो उसमें हमें मिलता है इनलार्ज्ड, पिगमेंटेड, प्रोटेक्टिंग आउटसाइड लेबिया मेजोरा। तो ये फिर उस प्रोजेक्टिंग, मतलब बाहर की साइड पे ये लेबिया मेजोरा के आउटसाइड पे भी मिलता है, ये नॉन वर्जिन में है। क्लाइटोरिस जो है स्मॉल होता है वर्जिन में, जबकि नॉन वर्जिन में इनलार्ज्ड होता है। जो वेस्टिब्यूल्स हैं वो नैरो होते हैं जबकि स्पीसीएस होते हैं नॉन वर्जिन्स में। तो ये कुछ वर्जिन और नॉन वर्जिन के बीच का डिफरेंस था। जैसे कि एक और है जो कि है वजाइना। वजाइना जो होता है वो स्मॉल, नैरो, टाइट एंड रेडिस होता है।
वर्जिन्स में, लेकिन स्पीसीस लूज एंड इलोंगेटेड होता है नॉन वर्जिन्स में। यहाँ पे स्पीसीस का जो मीनिंग होता है वो होता है बड़ा, या फिर इलोंगेटेड भी ले सकते हैं, इसका मतलब होता है बढ़ा हुआ स्ट्रक्चर उसका। फिर हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट दो प्रकार से हो रहे थे, पहला था जेनाइटल्स का और दूसरा है ब्रेस्ट का, वल्वा या जेनाइटल्स का। तो जो दूसरा है ब्रेस्ट का, तो ब्रेस्ट जो वर्जिन होती हैं उनमें ब्रेस्ट जो होता है वो राउंड शेप का मिलता है, साथ में फिर्म होता है, हेमी स्फेरिकल होता है, स्मॉल निप्पल मिलते हैं और स्मॉल एरियोला जो होता है वो पिंक कलर का होता है, जबकि जो डार्क फीमेल होती हैं उनमें लाइट ब्राउन होता है। तो ये हमें याद रखना है। साथ में अगर सिंगल इंटरक्रोस हुआ है तो पहली बार में कोई भी चेंज ब्रेस्ट में नहीं मिलता है, लेकिन अगर वो रिपीटेड हैंडलिंग ऑफ ब्रेस्ट हो रहा है तो ब्रेस्ट जो होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, साथ में लूज़ हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्लपी हो जाते हैं और पेंडुलस हो जाते हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है कि एरियोला एंड निप्पल्स जो होते हैं वो इनलार्ज होते हैं, डार्क होते हैं एंड लीबिया एल्बिकेंस प्रेजेंट हो जाता है लेटरल साइड ऑफ द ब्रेस्ट। ये होता है आफ्टर प्रेगनेंसी। उसके बाद हम हाइमन, जो कि हमारा मेन टॉपिक है हाइमन, नेक्स्ट टॉपिक वो है हाइमन। हाइमन जो होता है अगर हम देखें तो वो थिन होता है, फिल्म होता है, फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। इसकी थिकनेस जो होती है वो 1 mm की होती है और ये वेजाइनल ओरिफाइस में प्रेजेंट होता है। वेजाइनल ओरिफाइस का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ वेजाइना। ये जो होता है इसको सप्लाई करते हैं ब्लड वेसल्स, यूजुअली 1 opening, है ना। और यहाँ पे एक फिंगर ही, जो अगर हम लिटिल फिंगर, अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें अगर जाने का कुछ स्पेस होता है तो वो होता है हमारी सबसे जो छोटी फिंगर होती है उसकी भी टिप एडमिट हो सकती है, वो भी हार्डली वो जा सकती है। और चिल्ड्रन में वहाँ पे जो है हाइमन जो होता है वो डीप सीटेड होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिव फैट प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो डीपली होता है, डीप सीटेड होता है। तो ये हाइमन, हाइमन टाइप्स ऑफ हाइमन में यहाँ पे 7 प्रकार के हाइमन होते हैं, 7 टाइप्स बताए गए हैं। जैसा कि जो पहला है वो है एन्यूलर। एन्यूलर जो हाइमन होता है वो स्मॉल होता है एंड हैज़ ए सेंट्रल सर्कुलर या फिर इलोंगेटेड, जो कि आपको इसमें दिख रहा है कि सेंट्रल में ये सर्कुलर है या फिर ये इलोंगेटेड, तो इस शेप में दिखता है, ये ओपनिंग मिलती है हमें एन्यूलर में। इसके बाद जो दूसरा टाइप आता है वो है सेमी सर्कुलर और कॉन्सेंट्रिक। तो सेमी सर्कुलर और कॉन्सेंट्रिक में मिलता है हमें कि या तो वो एंटीरियर साइड पे ओपनिंग दिखेगी या फिर पोस्टीरियर साइड पे। तो यहाँ पे देखिए एंटीरियर और ये पोस्टीरियर साइड पे, जबकि मोर कॉमन होती है एंटीरियर साइड पे। तो ये दो सेमी सर्कुलर, सेमी लूनर एंड कॉन्सेंट्रिक क्रिसेंट्रिक। इसके बाद जो टाइप वो है वर्टिकल टाइप। वर्टिकल में हमें जो ओपनिंग मिलती है वो हमें वर्टिकल मिलती है, तो ये आपको देखने को मिलता है वर्टिकल। उसके बाद जो हाइमन का टाइप आता है वो होता है सेपरेट। तो सेपरेट दो तरीके से डिवाइड होता है, या तो वो इक्वली डिवाइड होगा या फिर अनइक्वल। तो देखिए यहाँ पे जो है ये इक्वली डिवाइडेड है, जबकि यहाँ पे अनइक्वल डिवाइडेड है। तो ये हाइमनल ओपनिंग है जो कि अनइक्वल डिवाइडेड है और यहाँ पे इक्वल डिवाइडेड है, जो कि सेप्टेट के हाइमन कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है सेरेब्रीफॉर्म। सेरेब्रीफॉर्म जो होता है उसमें हमें मल्टीपल हाइमनल ओपनिंग्स मिलती हैं, जो कि ऐसे कुछ दिखाई देती हैं। तो ये मल्टीपल हाइमनल ओपनिंग है। उसके बाद जो हमारा है वो है फिमरिएटेड या फिर नॉच्ड। जो नेक्स्ट है वो फिमरिएटेड या फिर नॉच्ड है, जिसमें कि लेटरल मार्जिन ऑफ हाइमनल ओपनिंग मिलती हैं। तो यहाँ पे फिमरी के आकार की, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, ये मिलता है हमें। इसके बाद जो लास्ट है हमारा वो है इम्परफोरेटेड या इम्परफोरेट। इसका मतलब होता है कि वेजाइनल ओपनिंग ही एब्सेंट हो, तो उस केसेस में। अब हम बात करते हैं कि मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ हाइमन एंड वर्जिनिटी, कि हाइमन और वर्जिनिटी की मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है। तो देखिए हाइमन जो होती है वो यूजुअली रप्चर होती है पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स में, फर्स्ट सेक्सुअल। बट कहाँ पे ये रप्चर होती है, तो देखिए 5 या 7 या फिर 6 o'clock पोजीशन पे, मोस्ट कॉमनली 5 पे, बट 6 या 7 o'clock पे रप्चर होती है। और ये एसोसिएट करती है कि रिकॉग्नाइजेबल ब्लीडिंग, वहाँ से ब्लीडिंग हुई है। बट अगर फिम्ब्रिएटेड हाइमन या फिर रप्चर्ड हाइमन हमें मिलती है तो उनके बीच डिफरेंस होता है।
दोनों के बीच डिफरेंस होता है कि फिमरिएटेड हाइमन कौन है और रप्चर्ड हाइमन कौन है। हो सकता है कि रप्चर्ड हाइमन ही फिमरिएटेड के जैसे दिखे या फिमरिएटेड ही रप्चर्ड के जैसे दिखे, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस है? तो देखिए, सबसे पहला डिफरेंस है कि जो हमारी जो रप्चर्ड होती है उसमें हमें एसिमेट्रिकल मिलता है, एसिमेट्रिकली मिलता है और रिप्रेजेंट होता है टीयर के साथ, जबकि जो हमारी फिमरिएटेड है उसमें हमें सिमेट्रिकल साइड्स मिलते हैं। ये देखिए, ये जो है ये सिमेट्रिकल साइड्स हैं, जबकि इसमें टीयर एंड एसिमेट्रिकल मिलता है। जो हमारा वो है दूसरा पॉइंट कि जो हमारा फिमरिएटेड होता है वो एंटीरियर साइड वॉल पर प्रेजेंट होता है, ओनली ओनली एंटीरियर साइड वॉल पर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारा रप्चर्ड है वो पूरे वेजाइनल वॉल पे होता है, होल वेजाइनल वॉल पे। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो है, हमारा जो फिमरिएटेड होता है वो ओवरलाइंग होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के और इंटैक्ट करता है, जबकि इसमें होता है टॉर्न या रप्चर्ड हो चुका होता है वो। यहाँ पे कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, जबकि इसमें ब्लीडिंग ऑन टच होता है जो रप्चर्ड है उनमें। तो ये कुछ डिफरेंस थे। उसके बाद जो है, हाइमन जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स रप्चर ही हो, क्योंकि वो थिक भी हो सकता है, लूज हो सकता है, इलास्टिक हो सकता है, या लोडेड हो सकता है, फोल्डेड हो सकता है, लेदरी हो सकता है, टफ हो सकता है, फ्लैशी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो उसका हाइमन रप्चर हो। इफ़ अगर कोई गर्ल सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है और फिर भी अगर कोई गर्ल सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है और फिर भी उसका जो हाइमन है वो इंटैक्ट है, यानी पहले के जैसे है, तो उसे हम सूडो या फिर फॉल्स वर्जिन कहते हैं। जबकि अगर किसी गर्ल ने कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है और उसका जो हाइमन है वो इंटैक्ट है, तो उसे हम ट्रू वर्जिन कहते हैं। बिसाइड इसके जो हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कह रहे हैं कि अगर अगर हाइमन रप्चर हो जाता है तो उससे भी हमें नहीं, अगर कोई फीमेल अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है और फिर भी अगर कोई फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करती है और फिर भी जो हमारा हाइमन होता है वो रप्चर्ड पाया जाता है, तो उस केसेस में हमें क्या क्या देखना चाहिए? तो देखिए, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है फिर भी रप्चर्ड हो चुका है, तो उस केसेस में हो सकता है कि ये स्पेसिफिक पॉइंट पाए जाए, जैसे कि लोकल इंजरी टू हाइमन, हाइमन में कोई लोकल इंजरी हो जाए, या फिर जेनाइटल एरिया पे कोई इंजरी हो जाए, या फिर कहीं से वो फॉल प्रोजेक्शन हो जाए और जिसके वजह से जो जेनाइटल एरिया है वो इंजर्ड हो जाए, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है लग जाए, या फिर पेल्विक या पीवी एग्जामिनेशन, सर्जिकल इंटरफेरेंस हो सकता है जेनाइटल एरिया पे किसी वजह से, मास्टरबेशन जब करते हैं तो उसमें बहुत लाइटली हाइमन का यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर किसी वजह से मैनिपुलेशन हो जाए तो उसमें हो सकता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन, अगर कोई फिंगर का इंट्रोडक्शन कर रहा है या फिर स्टिक वहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा है, वजाइना में इंस्टॉल कर रहा है, तो उसमें वो रप्चर हो सकता है। सैनिटरी टैम्पून्स जो यूज़ करते हैं उनमें वो रप्चर हो सकता है, या फिर अगर वहाँ पे थ्रेड वॉर्म या फंगल इन्फेक्शन या फिर पुअर हाइजीन रखते हैं, तो उस केसेस में भी जो कांस्टेंट ईचिंग बना रहता है उस केसेस में भी ये हमारा जो हाइमन है वो रप्चर होता है। तो ये सब केसेस हैं जो कि मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस में आते हैं। इसका जो PDF है आपको वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं।